की दुआएं लेते जा तुझको सुखी संसार मिले। हर पिता चाहता है कि मेरे बेटी को खुशियां मिले और राज परिवार मिले, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं सकता है। पांचों उंगली घी मेरे कभी ऐसा हो नहीं सकता है। हमेशा लोग इधर से उधर उधर फुदकते रहते हैं और सोचते रहते हैं, आज मैं इस राज्य में जाऊंगा कमा लूंगा, उस राज्य में कमा लूंगा, वहां जाऊंगा तो कमा लूंगा, उस देश में जाऊंगा कमा लूंगा। लेकिन मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि अगर खुशियाँ आपका दरवाजा नहीं नॉक करेगी तो समझ जाओ, किसी भी कोने में चले जाओगे तो आपको खुशियाँ नहीं मिलेगी। जनक जी को जानते ही होंगे सभी लोग। अरे राजा जनक जी सीता जी के पप्पा डैडी पिताश्री वो थे ना। अरे सुनाते हूँ तुमको, रुको रुको, जा किधर रहे हो तुम, किधर जा रहे हो, रुको रुको रुको। जो जनक जी के पिता, जो जनक जी थे ना, यानी माता सीता जानकी माता, उनके पिताश्री ने सोचा था हम इनका स्वयंवर रचेंगे, राज्य ढूंढेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राज परिवार कितना भी ढूंढा लेकिन नकोरे बाबा नहीं हुआ सुख उनको। वो 14 वर्ष वनवास काटने के लिए जब उनके पति यानी रामचंद्र जी को जब कहा गया कि आप 14 वर्ष वनवास काटेंगे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पति के साथ ही सुख भोगूंगी और इनके साथ अगर काटा घुसेगा तो मैं काटा घुसा लूंगी और चली जाऊंगी। वो ये सोच के कदम बढ़ाई आगे, लेकिन इसके बदले में उनको मिला क्या? कुछ नहीं मिला, सिर्फ दुख मिला उनको। 12 साल तो वो झेली श्रीलंका में, फिर वहां से आई, थोड़ा उनको अग्नि परीक्षा देना पड़ा। कोई देता है क्या अग्नि परीक्षा? हाँ, फिर उन्होंने अग्नि परीक्षा दिया, उसके बाद में फिर उनको वही मुसीबत उठानी पड़ी। उनको राज परिवार से बेदखल किया गया, हटाया गया और कहा गया कि जाओ वनवास काटो, क्योंकि धोबिया ने कहा है। मतलब यहाँ उनकी ना चली धोबिया की चली, पहले उनकी ना चली सास की चली। मतलब ये जिंदगी झंड हो जाती है यार शादी करके। कम से कम अपने बाप के पास थी तो कम से कम सुख था, लेकिन पिताजी को तो दुनिया की पड़ी थी कि अरे हमारे बेटी को राज परिवार मिलेगा, शादी करेंगे। शादी करने से कुछ नहीं होता भैया, भला केवल कांटे और चुभन होती है, बाकी तो आप खुद ही समझदार। अगर शादी करना है तो कर दो, लेकिन हम सही सलाह देते हैं, शादी करके ना तुम्हारा भला हुआ ना हमारा भला हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए ना करो ज्यादा अच्छा है। जय वंदे मातरम, टेक केयर।